अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी की भाजी और उसमें मैं डालूंगी छोटे झींगे। सबसे पहले मैं कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालूंगी। अभी इसमें मैं डालूंगी भिंडी बारीक कटी हुई, ये पाव किलो भिंडी ली हूँ मैंने। अभी हम इसको भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका चिकटपन जाने तक के हमें फ्राई करना है। देखिए इसमें कैसा चिकनापन आ रहा है। ये चिकनापन हटने तक के हम भिंडी को फ्राई कर रहे हैं। देखिए भिंडी का चिकनापन खत्म हो चुका है, भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डालकर रखी हूँ गरम होने के लिए। तेल गरम हो चुका है, अभी मैं उसमें डालूंगी एक चम्मच राई और जीरा। राई फूटने के बाद मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। अभी मैं इसमें डालूंगी 3 हरी मिर्ची ली हूँ और उसको मैंने बीच में से काटी हूँ, और 2 प्याज है बारीक कटे हुए। अब इसको मैं पकाऊंगी। देखिए प्याज हमारी पक चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। टमाटर को अभी मैं अच्छे से पकाऊंगी। टमाटर हमारे पक चुके हैं, अभी मैं इसमें डालूंगी बारीक झींगे और इसे भी पकाऊंगी। आप चाहे तो बड़े झींगे भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद के हिसाब से। अभी मैं इसमें तली हुई भिंडी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। भिंडी और झींगा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसे ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए बारीक आंच पे पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है, पहले से ही पकी हुई थी भिंडी, और झींगे भी हमारे गल चुके हैं अच्छे से। अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी कोथमीर और गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह भिंडी झींगे की भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना भिंडी और झींगे की भाजी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।